का हर खबर राष्ट्र की आवाज पर, आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या एक। नवादा जिले के रजौली चेक पोस्ट पर भारी मात्रा में शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नवादा जिले के रजौली चेक पोस्ट के समीप गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद किया तथा तीन कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं उत्पाद अधिकारी प्रीति कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। तीनों कारोबारी रांची के रहने वाले हैं। शराब कारोबारी शराब को बिहार शरीफ देने के लिए जा रहे थे। सभी को गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग किया गया, जिसमें 300 बोतल शराब जब्त किया गया है और उत्पाद अधीक्षक के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक बच्ची है, क्या कितने साल की है? घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी है? सर जो अभी शराब पकड़ाई है उसकी थोड़ा जानकारी। ऐसा है कि जांच चल रही थी, समेकित जांच चौकी पे। ये जांच तो 2400 घंटे चलती रहती है। इसी बीच एक सूचना मिली कि इको गाड़ी से शराब लिया जा रहा है। जांच के क्रम में वाहन संख्या BR01BS1128 को रोका गया, जिसमें एक महिला सहित दो व्यक्ति सवार थे और एक 4 साल का छोटा बच्चा भी था। वाहन के पीछे के डिक्की को चेक करने पर उसमें गुप्त बॉक्स बना हुआ था, जिससे करीब 160 पीस डिप्लोमेट विस्की, ओल्ड मॉक रम का 96 पीस और की रॉयल प्रेस्टीज रम का 54 पीस बरामद किया गया। टोटल इसकी मात्रा 235.500 लीटर है। सर पूछताछ में कहां से कहां जा रहे हैं? पूछताछ में बताया ये लोग रांची का रहने वाला है तीनों, जिसमें एक आशीष मनीषा नाम की जो लड़की पकड़ी गई है वो आशीष की पत्नी है और ये तीनों ही रांची के रहने वाले हैं और बताया कि रांची से लेकर बिहार से फिर ले जा रहे थे। किसके यहाँ ले जा रहे थे इसके संबंध में इनके द्वारा नहीं बताया गया। ओके सर।